खुदा के लिए चुप कर जाओ यार। आहिस्ता, तुम्हारी आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंज रही होंगी, किसी ने सुन ली ना तो मुझे आके जलील कर देगा। आपको मोहल्ले में अपनी इज्जत की परवाह, जो मुझे पूरी दुनिया के सामने जलील करने पर तुले वो। सही कह, औरत की अकल उसके टखनों में होती है, बिल्कुल सही कह। तुम्हें अपने फायदे की बात समझ नहीं आ रही? मत करे, मेरा फायदा खुदा का वास्ता है आपको। अरे यार, मेरी मोहब्बत का क्या हा? मुझे हक नहीं अपनी मर्जी से शादी करने का। कहा तो है मैंने आपसे, ले आए जिसको मिलाना मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन खुदा का वास्ता मुझे इस तरह से जलील मत करे। यार तुम्हें कैसे समझाऊं मैं, यार कैसे समझाऊं तुम्हें? देखा, यकीनन कोई औरत आ गई आवाजें सुन के मुझे पीटने के लिए। अब खुदा के लिए तुम चुप रहना प्लीज। सासू मां, आप यहाँ क्यों आई हैं? मेरा मतलब क्या कर रही हैं आप? वो मुझे नाला से मिली। नहीं, नहीं नहीं अब ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मगर क्यों? क्योंकि मुझे जाहिद ने मना किया कि ना मैं खुद आपसे मिलूं और ना ही नाहिला को मिलने दूं। ओह अच्छा, मगर क्या जाहिद ये बात जानता है कि तुम उसे तलाक? अरे क्या कर रही हैं आप? खुदा के लिए गलती से भी इस बात का जिक्र जाहिद के सामने मत कर दीजिएगा, मेरी जान निकाल देगा वो। तो फिर बाज रहो ये हरकत करने से। आप धमकी दे रही हैं मुझे? नहीं, मैं दरख्वास्त कर रही हूँ। तो फिर आप मेरी भी दरख्वास्त सुन लें, मैं ये जो सब कर रहा हूँ ये बहुत अच्छी नीयत से कर रहा हूँ। बेशक तुम ये सब कुछ अच्छी नीयत से ही कर रहे होगे, लेकिन बेटे इससे सब कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, नायला भी ये सब नहीं चाहती। अरे देखें, आपने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी है, तो अब नायला को भी तो हक दे ना कि वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जी ले। और वैसे भी वो मान गई है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या क्या मान गई है? मुझे उससे बात नहीं। प्लीज आप नहीं जाएंगे यहाँ से, और जब तक नायला यहाँ है मैं आपको उससे मिलने की इजाजत नहीं दूंगा। आपको पता, जब जाहिद को पता चला है ना कि आपकी और मेरी बात हुई, उसने मुझे वो खरी खोटी सुनाई, अब मैं ये रिस्क और नहीं लूंगा। आप प्लीज जाए यहाँ से, आप प्लीज जाए, प्लीज प्लीज जाए, प्लीज। मगर विकी, प्लीज प्लीज बात करने दो मुझे। आपके लिए आप चले जाए यहाँ से, प्लीज प्लीज। इंशाल्लाह, बस बस बस, जाए जाए जाए, खुदा हाफिज़।